और यहाँ रुक करेंगे यमुनानगर का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित कर। भारत माता के भाई ये आवाज आपकी बुलंद होनी चाहिए। मैं तो हैरान था जब आदरणीय कंवरपाल जी बोल रहे थे कि इतने काम किए हैं और जितने काम किए हैं ये आप लोगों का विश्वास है, आप लोगों का वो आशीर्वाद है जो हम तीसरी बार लेने के लिए आए हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा, चाहे वो पीछे भी खड़े हैं या साइड में पेड़ के नीचे खड़े हैं, मैं सभी से कहूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करके एक जोरदार जयकारे के साथ ये आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को सुनाई देनी चाहिए। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस जन आशीर्वाद रैली में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण और आज इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार के लोकप्रिय कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी, हमारे यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, हमारे पूर्व विधायक सढौरा चौधरी बलवंत सिंह जी, पूर्व विधायक रादौर श्री ईश्वर सिंह पलाक्का जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन रमेश ठसका जी, पूर्व में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रहे भोपाल सिंह खदरी जी, राम निवास गर्ग जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी और विधानसभा के संयोजक रामपाल नंबरदार जी, जिला के महामंत्री कृष्ण सिंगला जी, सुरेंद्र वनकर जी, विपुल गलक जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, कल्याण सिंह जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, प्रवीण गर्ग जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंच पर विराजमान हमारी सभी उच्च कोटि की सीनियर लीडरशिप। और आज इस जन आशीर्वाद रैली में आज उपस्थित इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति, सभी महानुभाव युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, यह चुनाव का शंखनाद हो चुका है और यह शंखनाद केवल चुनाव का नहीं है, यह शंखनाद हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का शंखनाद हुआ है। भाइयों, मैंने अभी चर्चा की है कि कंवरपाल जी इस क्षेत्र के बारे में जो काम हुए हैं वो हिसाब आपको दे रहे थे, आपको बता रहे थे, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो नहीं कुछ है तो यही एक सुस्सा छोड़ दो। कहा भाई ईसा मांगो यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, अरे इनको कोई समझाए भूपेंद्र हुड्डा को, अरे हुड्डा साहब हम तो हर साल हिसाब देते हैं जनता के बीच में जाकर के, तो आज हिसाब मांगने के लिए आ गया।
अरे ये 10 साल का साहब दे दिया कंवरपाल ने यहां का। मैं हैरान था इस बात से, जितने काम किए हैं। और भाइयों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका कार्यक्रम भी यहां तय हो गया था। हमने सारी की सारी, उसका टेंडर भी हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास करना था। हमारे यहां पर जो ये थर्मल पावर लग रहा है, 7,000 करोड़ रुपए का हमने उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करवाना था। ये आचार संहिता लग गई तुरंत, उसकी सारी की सारी तैयारी है। मैं ये हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं कि आपने 10 साल के अंदर क्या 7,000 करोड़ रुपए भी खर्च करे विकास कार्यों पे, उनके काम बताने का काम करे, उनके बारे में बताने का काम करे, ये हिसाब मांगते। अरे जिनकी बही खाते खराब है, जिनकी बही पट्टी पड़ी है, और जिन्होंने अपने कागज लाए दियो, भाइयों हिसाब मांगते फिर रहे हैं। बापू बेटा घूम रहे हैं दोनों, और कोई नहीं है, बापू बेटा है। शैलजा की रणदीप सिंह की जो लड़ाई है, वो लड़ाई वैसी नहीं है, लड़ाई उनकी है। कहा यो अपने आप खा जा, कहा अपने आप जिम जा, मनु धंधा नहीं है, कहा कुछ ये इसकी लड़ाई है इनकी, और ये लड़ाई बांटने की है कांग्रेस की। और इसी कारण से दो गुट बने हैं, ये सुरजेवाड़ा और कुमारी शैलजा, और एक तरफ बापू बेटा, एक तरफ ये सुरजेवाड़ा और शैलजा, इनकी लड़ाई बांटने खाने की है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है कि हम सत्ता के अंदर आएंगे। सपने देखते हैं, ये सपने देख रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, और लोगों का जो उनकी मेहनत की कमाई है उसको भ्रष्टाचार के रूप में जेब में डालने का काम करेंगे, इसके सपने देखते हैं। परंतु हमारी 10 वर्ष की सरकार ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक गहरी चोट की है, और जब उसके ऊपर गहरी चोट हुई है तो इनका पेट खराब हो गया है कि भाई हमारा क्या बनेगा, इब्जा इनका कुछ बढ़ने वाला नहीं है। आज इस छछरौली की पवित्र भूमि, जहां पर बाबा बंदा सिंह बहादुर की यह तपोभूमि रही है, और जो ये भूमि मां सरस्वती का उद्गम स्थल की यह भूमि रही है, मैं आज इस पवित्र भूमि से आज एक बात यहां कहना चाहता हूं कि हुड्डा साहब, आपको तो सपने ही आएंगे, और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी। हाथ कर लूंगी।